एवरीवन, माय नेम इज शिवांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टरोलॉजी। सो गाइस, कल हम लोगों ने जो निफ्टी पे बात करी थी ना कि 61.8% फिबोनाची के लेवल पे वो उसने पॉज लिया है आज, तो वो मेक और ब्रेक इवन लेवल होगा, बट उसको बहुत अच्छे से इसने संभाला। आज एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी देखने को मिला निफ्टी के अंदर, जिसकी बात करेंगे, जहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए थे। जितने लोगों ने भी शॉर्ट करा होगा वहां पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट बहुत ऊपर गई थी। अब इस पे करना क्या है, क्या ये एक रिवर्सल है, कैसे ट्रेड करना है, क्या समझना है, क्या पास्ट में कभी ऐसा हुआ है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। दो स्टॉक्स ही मैं और बात करूंगा, बट एज अ स्विंग और या लॉन्ग टर्म के लिए होगा वो दोनों स्टॉक्स, तो उस पर इंट्राडे की सलाह मैं नहीं दूंगा। मुझे कल एक दिन मार्केट और देखनी है, परसों वैसे भी इलेक्शन के शायद रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये दो दिन बस रुक के हम लोगों को मंडे से परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और शायद मार्केट भी स्टेबल हो सकती है। तो दो दिन पेशेंस की तरह और देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, सारे सिनेरियोस को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है, और पिक्चर लेके उसके बाद अपना ट्रेड सेटअप बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलते हैं एक बार मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे और मैं दिखाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है और कौन से दो स्टॉक्स हैं जिसको हम लेकर चल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो RCF मेरी सबसे पहली बेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है, तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है जहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 105 to 110 रुपीज के आसपास इस रेंज के अंदर है। अभी ट्रेड कर रहे हैं 73 रुपीज पे, तो एक अपसाइड जो है वो बहुत अच्छी बाकी है और शायद उसका भी ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज और देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी इंपल्स अप मूव आई थी फ्रॉम 50 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 100 लेवल, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, एक अच्छी खासी इंपल्स मूव दो हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद से एक साल के अंदर ही एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट है, ऐसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फाइनली एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, और ये एज अ स्विंग ट्रेड, मतलब स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के बीच का आप कुछ लेकर चल लो, 3 से 4 महीने या 5 महीने के लिए ये ट्रेड्स हैं, तो ये मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसका अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें, अगर हम इस लेवल पे बाय करते हैं, दिस शुड बी आर स्टॉप लॉस एंड दिस शुड बी आर टारगेट, और हमारा टारगेट 115 भी, बेसिकली तो हम टारगेट अपना 105 ही लेकर चलते हैं, बट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो एक नई अपॉर्चुनिटीज ऊपर की तरफ और ज्यादा खुल जाएंगी। ठीक है, तो ट्राई टू वॉच RCF एज वेल, और उसमें कम कम क्वांटिटीज पे यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट अवे एज वेल। सो अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है लिंडे इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और ये एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है, और आई थिंक यहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है कि इसे आप लोग कल भी बाय कर सकते हो विद अ स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये दे सकता है। अब एक बार समझते हैं चल क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, एक राइजिंग चैनल के अंदर तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी अपमूव देने के बाद आप देख सकते हैं ये जो राइजिंग चैनल के जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस प्राइस एज वेल। आप ये देख रहे हैं, दिस इज द डबल बॉटम, लेट मी शो यू, ये एंड दिस, यहाँ पर एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ एंड अब उसके बाद से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज ये आप देख सकते हैं, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट इस रेंज को 8 महीने हो चुके हैं और अब ये अपने रेंज के सपोर्ट पे है। अब यहाँ पर एक क्रूशियल चीज है जो हर प्राइस एक्शन जो जानता है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट है, लेट मी एक्सप्लेन यू रेंज में कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे अपॉर्चुनिटी अचीव मिल सकती है। मान के चलो कि ये आपके पास चैनल होता ही नहीं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का समझ में आता है कि आप लोग वेट करते हैं कि हमें इस लेवल पे बाय करना है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। हमने देखा ये अच्छी अपमूव आई थी, उसके बाद एक फॉल करा, फॉल करने के बाद इसे दोबारा ऊपर जाना चाहिए था इस रेंज के अंदर अगर इसे स्टेबल रखना था। यहाँ पर इसने मल्टीपल कंसोलिडेशन लिया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 हफ्ते तक इसने विक रिजेक्शन फेस करे एंड उसके बाद दोबारा नीचे आया। यहाँ इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम, अगेन ऊपर गया, दोबारा ट्राई करने की कोशिश करी, बट 3 हफ्ते बाद जाके इसने ब्रेकआउट दिया। यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का जोन देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन दिस लेवल। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर गया, अब इसी लेवल के अंदर ये सस्टेन कर रहा और एग्जैक्टली यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट करके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो उसके लिए सपोर्ट बन चुका है। सो आई थिंक इस रेंज के अंदर इस लेवल पे बाय करना इज अ वेरी सिंपल थिंग और यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी करंट प्राइस चल रहा है 2647 रुपीज के आसपास, अगर आप 2 दिन और भी वेट कर लेते हो, 2 दिन भी बाय नहीं करते, और ये मैं मान के चलता हूँ 2700 भी हो जाता है। ठीक है, आपने 50 रुपये ऊपर बाय करा तो भी आपको ज्यादा श्योरिटी मिल सकती है। हमें ज्यादा श्योरिटी और प्रोबेबिलिटी चाहिए रैदर देन कि हमें अपना टारगेट ज्यादा चाहिए। ठीक है, हमें टारगेट ज्यादा से मतलब नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमारे टारगेट सेट होते रहे। तो 2700 पे भी बाय करोगे तो भी अच्छा लेवल है, और 3200 के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर,
विद इन सिक्स मंथ्स। तो ये दो स्टॉक्स हो गए, बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ओके, सो हम लोग अपना निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसकी वजह से बहुत अच्छी मूवमेंट हमें और देखने को मिल गई है। सो अगर आप देख रहे होंगे तो ये कल की डेट है, ये जो पूरा ट्रेंड आप देख रहे हैं कल की डेट का ट्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद इसने यहाँ पर क्लोजिंग ले ली है, इस लेवल पे इसने क्लोजिंग ली। आज के दिन ये वाली कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा ऊपर गया, इस लेवल पर रिजेक्शन फेस करा और एक फॉल आया। अब जो इसका प्रीवियस लेवल था और जिस लेवल से इसने एक अपमूव दी थी डेली सॉरी आर्ली कैंडल पे, इसके नीचे जाके इसने बियरिश कैंडल बनाई, यानी यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स एंटर करे होंगे। उसके बाद इसने एक पॉज लिया, ऊपर से रिजेक्शन लिया विच इज अ वेरी गुड साइन, और फिर उसके बाद एक बड़ी मोमेंटम आई। तो यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स इन लोगों ने यहाँ पर बना रखे होंगे तो वो लोग दोबारा फॉल्स ब्रेक डाउन उन्हें मिला, ट्रैप हुए और एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट ऊपर गई है। सो अभी जनरली हो यही रहा है। अगर हम लोग और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना हर डेली कैंडल्स के अंदर अंदर जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, तो हमें यही देखने को मिलेगा कहीं पर लॉन्ग बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहीं पर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मार्केट वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए है। एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ ना डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम पे ना अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार एक इंडिसाइसिव कैंडल थी, उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई और एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, तो अब एक बड़ी अपमूव आ सकती है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार 3-4 दिन बाद एक बुलिश कैंडल मिली है, अब तो पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है, मैं दोबारा आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप देखिएगा एक फॉल आया, पुल बैक लिया, अगेन एक फॉल आया और एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ फॉल आया। आफ्टर दैट इसने एक बहुत बुलिश कैंडल बनाई, ये तो इससे भी ज्यादा बुलिश कैंडल इसने बनाई है, वो भी गैप अप खुलने के बाद इसने एक बुलिश कैंडल बनाई। 2 दिन ऊपर ही लेवल पे यहाँ पर रुके रहा और एक दोबारा बड़ी फॉल आई। उसके बाद अगेन इस लेवल पे इसने यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट करा, एज यू कैन सी इट हियर इसने डबल बॉटम क्रिएट करा गैप डाउन के साथ, एक दोबारा यहाँ पर लिया। बहुत सारे लोग इस लेवल पे एंटर करे होंगे, एक छोटा सा गैप अप उन्हें देखने को मिला होगा अगले दिन और उसके बाद बड़ी फॉल दोबारा आ गई। तो यहाँ पर हमें ट्रैप नहीं होना, हमें एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट से चलना होगा। अभी एक कैंडल के बेसिस पे नहीं बता सकते कि ये रिवर्सल है, एक बाइंग साइड आ गई है, नहीं आ गया। कल जैसी मार्केट ओपन होगी कि शायद हमें लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद हमें चेक करना है कि सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है। कल का दिन भी हमें एक बार ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा तो ही हम अपनी मार्केट को स्टेबलाइज कर पाएंगे। और दूसरी बात, कल मार्केट और शायद ज्यादा वॉलेटाइल भी हो सकती है क्योंकि परसों इलेक्शन के रिजल्ट्स आने, बट मोस्ट प्रोबेबली यूपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहां पर दोबारा योगी के ही बनने के चांसेस हैं। तो शायद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कल फॉलो हो सकती है, बट परसों के दिन दोबारा मार्केट भी नीचे गिर सकती है। तो हमें 2 दिन और रुकना है बस मार्केट के अंदर और ऑब्जर्व करना है। मंडे से हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज जो पीरियड थे मतलब जो न्यूज आई जा रही थी वो खत्म हो जाएंगी एंड एक स्टेबल मार्केट स्टार्ट हो सकती है। एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा बढ़िया कैंडल हमें देखने को नहीं मिली अकॉर्डिंग टू निफ्टी। तो यहाँ पर एक ये अच्छी बात है कि हम लोग निफ्टी पे अगर बाय ऑन डिप्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं रादर देन बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कुछ अच्छा करता है तो इस पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर हम लोग निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और बैंक निफ्टी की जगह हम लोग उसके स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, शायद इंडियन बैंक हो गया या SBI हो गया, तो उन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो ज्यादा बढ़िया हमें लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो लेट मी ओपन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो क्रिएट हुआ था, उसके बाद एक बड़ी फॉल आई थी। अब ये दोबारा एग्जैक्टली 33,150 के लेवल पे है और जो रेजिस्टेंस है वो 33,500 के आसपास है, जो कि ऊपर है डेफिनेटली, बट यहाँ पर कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल के आसपास और अगर वहां पर रुकता नहीं है ऊपर जाना ऊपर नहीं जाता और एक रिजेक्शन कैंडल दिख जाती है ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। और यहाँ पर हम ये टारगेट्स बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 32,900 रुपीज के आसपास का होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो वो पहले ऑब्जर्व करना है। बैंक निफ्टी में हम लोग ऊपर पे शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं और निफ्टी पे हम लॉन्ग कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स के थ्रू। तो ये थी एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बट ट्राई टू बी कॉशियस, 2 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद हमें मार्केट भी स्टेबल मिलेगी और हम ट्रेड्स भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल लाइव ट्रेडिंग वीडियो पे। बाय बाय।